होस्ट हैं दोस्त प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ फल में अड्डा पर। जी हाँ, फल में अड्डा पर आप लोगों के बीच एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ बॉलीवुड के साथ जुड़ी कुछ स्पेशल और अलग खबर। जी हाँ, जब भी कोई फिल्म बनती है, जब भी किसी फिल्म का निर्माण होता है, तो उस फिल्म में ज़्यादातर जो लोगों की नज़र होती है या लोगों का ध्यान होता है, या तो उस फिल्म के एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पे रहते हैं। साथ ही अगर गाने फिल्म के हिट हैं तो उनके सिंगर के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, और किसने उन गानों को लिखा है इनके बारे में ज़्यादातर लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन हर फिल्म में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस का ही अहम किरदार नहीं होता है, कई बार ऐसे सपोर्टिंग रोल भी होते हैं जिन सपोर्टिंग रोल में जो कलाकार काम करते हैं उनकी वजह से फिल्में एक अलग पहचान और एक अलग मुकाम तक पहुंच जाती हैं। जी हाँ, और आज हम एक ऐसे ही किरदार के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में नज़र आए, लेकिन सपोर्टिंग रोल की वजह से वो कई बड़ी फिल्मों में सुपर डुपर हिट साबित हुए, और पूरे करियर में वो ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग नाम बनाया। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ 80-90 के दशक से लेकर अभी तक फिल्मों में सक्रिय रहने वाली, जी हाँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस सुषमा सेठ की। बात कर ले प्रेम रोग फिल्म की, बात कर ले फिल्म राम तेरी गंगा मैली की, या फिर बात कर ले इस समय की, कुछ समय पहले बीती गई फिल्म कल हो ना हो, या फिर कभी खुशी कभी गम की। ये वो फिल्में हैं जो बॉलीवुड की टॉप हिट फिल्मों की लिस्ट में आती हैं, और इन फिल्मों में सुषमा सेठ का एक ऐसा किरदार था जिन्हें लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। चाहे प्रेम रोग में उनकी बड़ी माँ का किरदार हो, या फिर बात करें हम फिल्म कल होना में एक सपोर्टिंग रोल के तौर पे, या फिर हम बात कर ले फिल्म कभी खुशी कभी गम में नानी के किरदार को निभाने के लिए, लेकिन इनकी पहचान हमेशा ही लोगों के नज़र में बनी रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो एक्टर एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल के बावजूद बॉलीवुड में एक अलग मुकाम को उन्होंने हासिल किया है, अब उनके बच्चे, उनके परिवार क्या बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं? क्या बॉलीवुड में उनकी पहचान बन पाई है? क्या अपने माता पिता से ज़्यादा उन्होंने बॉलीवुड में नाम कमा लिया है, या फिर उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया? बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी बॉलीवुड के इन तरह की खबरों में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सुषमा सेठ की बेटी यानी दिव्या की। दिव्या सेठ जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, और साथ ही उन्होंने टीवी सीरियल में भी कई काम किए हैं। 83 साल की हो चुकी हैं सुषमा सेठ, और उन्होंने पहली बार अपनी करियर की शुरुआत जो की थी वो 1978 में फिल्म जुनून से की थी। इसके बाद उन्हें 1985 में सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। हालांकि अगर बात करें सुषमा सेठ के करियर की, तो उन्होंने दूरदर्शन पर, जी हाँ, दूरदर्शन पर आने वाले टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, प्लस वो थिएटर किया करती थी। अभी भी उन्हें देखा जाए तो कुछ समय पहले किसी फिल्म, कई सारी फिल्मों, अगर जैसे कभी खुशी कभी गम फिल्म है, या फिर कल हो ना हो फिल्में हैं, ये नई जनरेशन की फिल्में थी। इन फिल्मों में भी सुषमा को रोल मिला और उन्होंने उन रोल्स को बखूबी निभाए। लेकिन उनकी बेटी यानी कि हम बात करें अगर दिव्या सेठ की, तो वो बॉलीवुड में कैसे सक्रिय हैं, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, आज के समय में वो क्या कर रही हैं, और उनके बॉलीवुड के करियर में उनका योगदान क्या रहा है, चलिए डालते हैं इस पर एक नज़र। बॉलीवुड में ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में नज़र आने वाली एक्ट्रेस सुषमा सेठ की बेटी दिव्या सेठ। जी हाँ, दिव्या सेठ ने टीवी सीरियल हम लोग में से, जी हाँ, अपने करियर की शुरुआत की थी, जिस टीवी सीरियल में वो मंजलि का किरदार निभा चुकी थी। बता दें उन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई की है, और साथ ही एक्टिंग भी उन्होंने दिल्ली में ही सीखा है। इसके बाद उन्होंने टेलीविज़न और फिल्मों में काम करने का मन बनाया। पहले आपको बता दें अगर हम टीवी सीरियल की बात करें, तो उन्होंने सबसे पहला शो, जो टीवी सीरियल जो उन्होंने किया था, वो 1984 में किया था। सीरियल का नाम था हम लोग, जिसमें उन्होंने मंजरी का किरदार निभाया था, और ये सीरियल दूरदर्शन पे आता था। फिर उन्होंने 1988 में दिल दरिया में काम, सीरियल में काम किया, जो कि दूरदर्शन पे आता था। इसके बाद उन्होंने 1993 में देख भाई देख में प्रिया का किरदार निभाया। ये सीरियल भी दूरदर्शन का
प्रसिद्ध सीरियल में से एक माना जाता था। 1994 में दरार सीरियल में दिव्या ने काम किया, जिसमें उन्होंने प्रिया का किरदार निभाया और ये जी टीवी पर आया करता था। 1995 में उन्होंने बनेगी अपनी बात में काम किया था, जिसमें उन्होंने निकिता का किरदार निभाया था। ये सीरियल भी जी टीवी का फेमस सीरियल था। 2000 में अभिमान सीरियल में इन्होंने काम किया, जो कि दूरदर्शन का सीरियल था। 2005 में दिव्या ने संस्कार रिश्तों की अनकही कहानी, जो कि जी टीवी पे सीरियल आया करता था। जी हाँ, इसमें उन्होंने प्रिय वंदना वीर प्रताप सिंह का किरदार निभाया था। 2015 में दिव्या एक बार फिर से लाइफ ओके चैनल पर सीरियल एक नई उम्मीद रोशनी में काम किया। इसमें उन्होंने डॉक्टर वसुंधरा सिंह का किरदार निभाया। खैर, इसके अलावा दिव्या फिल्मों में भी सक्रिय रही, भले ही इन्होंने फिल्मों में साइड रोल किया हो, भले ही इन्होंने फिल्मों में साइड किरदार निभाया हो, लेकिन इनकी एक्टिंग को वहाँ पर भी सराहा गया। इन्होंने फिल्म जब भी मेट में काम किया। जी हाँ, ये फिल्म साल 2017 में आई थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ करीना कपूर थी और इसमें दिव्या ने आदित्य की माँ का किरदार निभाया था, आदित्य यानी कि शाहिद कपूर की माँ। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश में भी काम किया, जो कि साल 2012 में आई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक बहुत ही बखूबी तरीके से इस किरदार को निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने रूपल की माँ का किरदार निभाया था, जो कि दिव्या की बहन भी बनी थी। इसके अलावा हम बात करें तो उन्होंने दिल धड़कने दो में काम किया, जिसमें उन्होंने शेरा हाशमी का किरदार निभाया था। ये फिल्म साल 2015 में पर्दे पर आई थी, जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। साथ ही साथ हम बात करें तो इसके अलावा उन्होंने पटेल की पंजाबी शादी, जो कि साल 2017 में आई थी, ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी। और इस फिल्म में उन्होंने वीरदास की मदर का किरदार निभाया था और ये फुल ऑन कॉमेडी फिल्म थी। पहले आपको बता दें, इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्या की, तो वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी कई बार पार्टीज़ में नज़र आ चुकी हैं। और इसके अलावा अगर उनकी मम्मी के साथ बात करें, तो उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि